यार आज Xiaomi ने अपने फोन को रिलीज कर दिया जिसका नाम है MICC 9 Pro, और यही जो फोन है ना ये आगे चलकर MI Note 10 बनके यूरोपियन कंट्रीज में मिलेगा। और खास बात MICC 9 Pro की ये है कि ये हाईएस्ट DXO मार्क रेटेड कैमरा बन गया है, यानी कि Huawei Mate 30 में जिसका DXO मार्क स्कोर 121 था ना, इसका स्कोर भी वही आ गया, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। और ये देख के मेरे को लग रहा है कि पिक्सल 4 से भी ज्यादा इसका स्कोर है, आईफोन से भी ज्यादा इसका स्कोर है, और मेरे को लग रहा है कि DXO मार्क के ऊपर से थोड़ा विश्वास सा उठता हुआ लग रहा है। लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। लेकिन MICC 9 Pro जिसके बारे में आप सब लोगों को इंतजार था वो फोन आ गया है। आप लोगों को कुछ इस फोन के बारे में बताते हो, जैसे स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर तो उसमें था ही, लेकिन इसका जो मेन हाइलाइटिंग फीचर है ना वो है इसका कैमरा। सबसे पहले तो एक कमर्शियली अवेलेबल पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है 108 यानी कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, और इस कैमरे के अंदर आपको 1.69 का अपर्चर वाला लेंस देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके अंदर आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक और कैमरा दिया जिसके अंदर 5x ऑप्टिकल जूम है जो कि नॉन पेरिस्कोप बेस्ड है। इसके साथ ही 10x हाइब्रिड और 50x डिजिटल जूम का प्रोवाइड करता है। 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। इस हिसाब से इन सब अलग अलग फोकल लेंथ को डाल के जो Xiaomi है ना उसने 5 अलग अलग कैमरास को इंप्लीमेंट किया है इस फोन के अंदर। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। बैटरी भी बड़ी कर दी जिसका साइज है 5260 mAh की बैटरी जो कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओवरऑल बताऊं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये देख के लगता नहीं कि Xiaomi इस फोन को इंडिया में लाएगी या फिर इस फोन को कोई और प्लान है लाने का, क्योंकि फोन का जो प्राइस है ना वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि फोन का प्राइस है 2799 yuan, लगभग 2800 yuan, लगभग 28,000 to 29,000 रुपीज चाइना के हिसाब से। और आप लोगों को भी पता है चाइना की प्राइसिंग इंडिया की प्राइसिंग में ट्रांसलेट नहीं होती है, और फिर भी अगर Xiaomi अगर थोड़ा बहुत कम करके भी इस फोन को इंडिया में लाना चाहे तो भी 25-26 तक ला सकती है, वो ही इसका मैक्सिमम है। हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना 20-22 हज़ार में कोई चीज़ ऐसी आ सकती है, तो अब लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अब देख के ऐसा भी लगता है कि शायद ये पोको F2 नहीं है, क्योंकि पोको जो है ना वो शायद थोड़े बजट में आता, थोड़े सस्ते में आता, ये देख के ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंप्लीमेंट किया गया है और शायद इसीलिए ये जो फ़ोन है ना अभी थोड़ा सा महंगा है। और मेरे को लगता नहीं है कि Xiaomi कभी भी ऐसे फोन्स को इंडिया में लाएगी। इवन अगर हम MI Note सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो जो MI Note 10 था ना वो भी लॉन्च हुआ था चाइना में बहुत पहले, और उसके भी कोई भी फ़ोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिला, और ये भी लग रहा है कि ये फ़ोन इंडिया में नहीं आने वाला। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर आपको DXO मार्क का स्कोर इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। वेल DXO मार्क के बारे में बात करें तो Nexus 6 भी जब गूगल इंट्रोड्यूस किया था ना तो उसके बाद जो गूगल है ना वो ही लेके आई थी Nexus P6P के साथ अपने DXO मार्क स्कोर को। Pixel 1 में भी इसे कंटिन्यू रखा, Pixel 2 में भी इसको कंटिन्यू रखा, उसके बाद Pixel 3 से जैसे ही DXO मार्क इनका नीचे आने लगा ना उसके बाद इसका जिक्र करना बंद कर दिया DXO मार्क का, और बाकी लोगों ने DXO मार्क को पकड़ा और एक परसेप्शन बना दिया DXO मार्क का कि जितना ज्यादा उसका स्कोर होगा ना उतनी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक परसेप्शन है, एक्चुअली में DXO मार्क काम करता है कि इमेज की शार्पनेस, कलर, एक्सपोजर, इन सब चीजों को कैलकुलेट करता है और एक न्यूमेरिकल फिगर में बनाता है, मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स लगती है, उसके बाद ये रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो एक्चुअल में रियल फोटोग्राफ है ना DXO मार्क उसे कभी बताता भी नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी फोटोग्राफ्स के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन वो क्या वो DXO मार्क के उस स्कोर को जस्टिफाई करती है फिर बेस्ट पॉसिबल कैमरा है, तो ये चीज बात नहीं पता चलती। ऊपर से DXO मार्क के साथ एक और चीज मैंने नोटिस करी है कि जिस कैमरा में मतलब जिस फोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैमराज होंगे और जिसके मल्टीपल लेंसेज लगे होंगे ना उसका DXO मार्क स्कोर हमेशा ज्यादा रहता है। इसलिए Pixel 3 का स्कोर कम था, Pixel 4 का भी स्कोर कम है जिनमें आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल रहा है, टेलीफोटो देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको दो अलग अलग मोड में टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है यानी 5x ऑप्टिकल, 2x ऑप्टिकल, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो लेंस, शायद ज्यादा ज्यादा कैमरास को इंप्लीमेंट कर दिया, इसलिए DXO मार्क स्कोर है ना वो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है जो कि है 121। लेकिन ये देख के मेरे को जो है ना भरोसा है ना DXO मार्क के ऊपर से वो थोड़ा सा हट रहा है, मतलब कि मेरे को उतना ज्यादा मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को कि Xiaomi मतलब हो सकता है कि शायद कैमरा अच्छा हो, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है क्या 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो Xiaomi आउटपुट देगा फोटोग्राफी क्या वो वाकई में उतनी अच्छी होगी जैसे तरीके से वो Pixel और iPhone को बीट कर सकता है?
ये काफ़ी बड़ा एक सोचने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही जो Xiaomi है ना, उसने अपने MI TV 5 सीरीज़ को भी लॉन्च कर दिया, और वो देख के ऐसा लगता है कि ये थोड़े प्रीमियम सीरीज़ के टीवीज़, ऑब्वियसली 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच के टीवीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर बात करें तो इसके अंदर आपको जो बेस प्राइस है ना 55 इंच के टीवी का, वो रखा गया है अराउंड 3000 यान, जो कि 30,000 रुपीज़ है। इंडिया के हिसाब से ठीक लगता है, क्योंकि ऑलरेडी 50 इंच का जो MI TV 4X आता है, वो ऑलरेडी 50 इंच 4K टीवी 30,000 का आता है, और ये शायद उसे थोड़ा सा महंगा हो सकता है। और बेसिकली इन टीवीज के अंदर आपको QLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, M लॉजिक एक नया प्रोसेसर देखने को मिल रहा है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऊपर से टीवी 8K वीडियो डिकोडिंग को सपोर्ट करते हैं। वेल, ये जो टीवीज है ऑब्वियसली 4K टीवीज है, अगर इस पर आप कोई 8K वीडियो प्ले करना चाहते हो तो ऑब्वियसली प्ले हो जाता है, लेकिन मेरे को लगता है कि ओवरकिल फीचर है, शायद इसकी जरूरत नहीं थी। पहली चीज तो 8K वीडियोस अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज है कि अगर ऑलरेडी अगर 8K रेजोल्यूशन नहीं, तो 8K पे वीडियो प्लेबैक करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी काफी कम वीडियोस अवेलेबल है 8K में। तो उस चीज की यूजलेस, मतलब एक तरह से यूजलेस फीचर लगा मेरे को। और अगर Xiaomi अगर अपना खुद का अगर 8K टीवी बना रही होती ना, तो मैं कहता कि ये ब्लीडिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, और शायद इस चीज़ की जरूरत पड़ सकती थी, तो एम लॉजिक प्रोसेसर उसमें यूज़ कर सकते थे। लेकिन चलिए 8K वाली बात को हटा देते हैं। खास बात इन टीवीज़ के साथ ये भी कि क्वांटम डॉट जो QLED टीवी होते हैं, जैसा भी वन प्लस ने लॉन्च किया था, सैमसंग के टीवीज़ आते हैं, TCL के भी आते हैं, तो QLED टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टीवीज़ है। अगर बात करें क्या ये टीवी आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मेरे को लगता है कि शायद इन तीनों में से शायद एक आध टीवी देखने को मिल सकता है। मेरे को लग सकता है कि 55 इंच वाले टीवी आ जाए इंडिया में, और शायद जब वो इंडिया में आ गया ना, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो 40-50 हज़ार के ऊपर होगी। एक एग्जांपल ये है कि जो 6 इंच का, मतलब 65 इंच का जो टीवी है ना, उसकी प्राइस जो है चाइना के अंदर वो 4000 युआन है, मतलब 40-41,000 रुपीस। लेकिन इंडिया में भी आपको पता है 65 इंच का जो नॉर्मल MI टीवी आता है ना, वो 55,000 का आता है। तो शायद उसी प्राइसिंग के आसपास वो अपना किसी QLED टीवी को लाएं, और एक ही मॉडल लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो शायद ज़्यादा इस पर फोकस करना भी नहीं चाहते। और जिस चीज़ पर वो फोकस करना चाहते हैं ना, वो है उनकी Redmi ब्रांडिंग के अंदर की टीवी, क्योंकि Redmi के जो टीवी है ना, वो चाइना में धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऑब्वियसली जो Redmi सीरीज जो है, वो टीवी जो निकाल रहा है ना, वो मेजोरिटी ऑफ द टीवीज है ना, वो 40 इंच, 45, 43, 32 इंच, इसके अंदर भी ऑब्वियसली 75 इंच का भी टीवी है। लेकिन हो सकता है कि 2020 में आपको Xiaomi के Mi टीवीज नए देखने को मिले, और हो भी सकता है कि 2020 में आपको Redmi ब्रांडिंग के अंदर और अच्छे स्मार्ट टीवीज देखने को मिल जाए। मतलब कि अब वो शायद ऐसा फोकस कर सकता है कि एक महंगा टीवी लेके आएगा जो कि MI ब्रांडिंग के अंदर होगा, और जो सस्ते होंगे ना अपने 32 इंच 43 इंच वाले टीवी, वो Redmi ब्रांडिंग के अंदर होंगे टीवी। तो कुछ इस टाइप की प्लानिंग कर सकता है, मतलब जैसा वो फोन्स वगैरह में कर रहे हैं ना, ठीक वैसा ही कुछ इंप्लीमेंटेशन आपको अपने टीवी मार्केट के अंदर भी वो देखने को मिल सकता है। तो यह बात हो सकती है। तो ओवरऑल जो चाइना में जो लॉन्च हुआ ना, उसमें बस मेरे को ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस जो MI TV का कोई एक आध कोई वर्जन होगा वो आ सकता है इंडिया में, जो भी टॉप कैटेगरी में या फिर 65 इंच या 55 इंच एक मॉडल Xiaomi लेके आ सकते हैं बस। उसके साथ मेरे को कुछ लगता नहीं, इवन MI Note 10 का भी नहीं लग रहा, इवन मेरे को ये MI Watch का भी नहीं लग रहा, या फिर कोई 75 इंच वाली TV का भी नहीं लग रहा। तो इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली जो चाइना है और इंडिया का जो मार्केट है ना, काफ़ी ज़्यादा अलग है, और Xiaomi को ये बात समझ में आ गई है, इसलिए जो सारी चीज़ें वो चाइना में कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें वो इंडिया में करना नहीं चाहते या फिर कर नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्ट रीज़न अभी हमें नहीं पता। चलिए अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो उनका जो कस्टम CPU डिपार्टमेंट था ना, एग्जैक्टली वो बंद हो रहा है। मतलब कि एक्जिनोस बंद नहीं हो रहा, कि एक्जिनोस में आने वाले टाइम में प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्जिनोस प्रोसेसर पे जो कस्टम कोर्स जो बनाते थे, जो मोंगूज आर्किटेक्चर था ना, उसको बंद करके वो टोटली ARM पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि उन्हें लॉस कम उठाना पड़े। अब आप लोगों को भी मालूम है कि मैक्सिमम जो एक्जिनोस प्रोसेसर वाले फ़ोन्स होते हैं ना, वो सैमसंग के ही होते हैं, और सैमसंग जो है वो ज़्यादातर अपने फ़ोन में एक्जिनोस यूज़ करता है। बहुत ही कम ऐसे फ़ोन्स हैं, एक दो ही ऐसे हैं दूसरी कंपनीज के, जिनके अंदर आपको एक्जिनोस चिप देखने को मिले, इसलिए एक्जिनोस के ऊपर शायद वो ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। और इसी खर्चे को कम करने के लिए जो कस्टम डिज़ाइन उन्होंने डेवलप किया था, जैसे कि क्वालकॉम का क्रायो डिज़ाइन होता है, या फिर एप्पल अपना खुद का डिज़ाइन इंप्लीमेंट करती है ना, अब वो छोड़ के पूरी तरीके से ARM जो डिज़ाइन देगी उसी इंप्लीमेंट करेंगे। फिर भी देखते हैं कि इन सब की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और ये देख के लग रहा है कि क्वालकॉम की जो मोनोपोली है ना, वो कुछ ज़्यादा हो गई है। मतलब कि सैमसंग का जो एक्जिनोस चिप है ना, वो सिर्फ सीमित अभी तक सिर्फ सैमसंग के फ़ोन्स में,
लेकिन देखने वाली बात ये रही कि आने वाले समय में जो दूसरे फ़ोन्स आते हैं क्या सैमसंग उन्हें अपनी एग्जिनोस से प्रोवाइड करती है कि नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करो और अपने फ़ोन्स तक ही रखेंगे क्योंकि तो फिर क्वालकॉम को एक एज मिल जाएगा और हो सकता है क्वालकॉम पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर दे। मतलब ये भी एक छोटा सा थॉट है, इसी के साथ मीडिया टेक है, लेकिन मीडिया टेक डायरेक्टली कभी क्वालकॉम को इस तरीके से कम्पीट नहीं करेगी क्योंकि क्वालकॉम जो है ना वो शायद अच्छे और महंगे वाले प्रोसेसर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और जो मीडिया टेक है ना वो थोड़े सस्ते पर फोकस कर रही है। उन्हें पता चल गया है कि एग्जैक्टली जो मज़ा है ना, जो पूरा मार्केट है ना, वो कौन से वाले प्रोसेसर के ऊपर है। तो ये कहानी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। और सबसे पहला कमेंट पूछा है सरफराज भाई ने, वो पूछ रहे हैं कि भाई मैंने मार्च में रियलमी 2 प्रो लिया था तो क्या अभी अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल मत करो, मैं सजेस्ट करूंगा मत करो। Realme 2 Pro स्नैपड्रैगन 660 के साथ आया था, अभी बिंदास चलाओ। अगर अपग्रेड करना है ना तो 6-8 महीने रुक जाओ, अगले साल करना 2020 में, हो सकता है तब आपको और ज़्यादा कमाल के फ़ोन्स देखने को मिल जाए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, 2-3 महीनों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। मतलब 2-3 महीनों में हर फ़ोन का एक नया वर्जन आ रहा है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। मतलब साल ख़त्म भी नहीं हुआ, कहाँ Redmi Note 7 Pro डुअल कैमरा उसके साथ आया था 48 मेगापिक्सल के, कहाँ Redmi Note 8 Pro 64 मेगापिक्सल कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है। 6-8 महीने वेट कर लो, आपको और अच्छी डील देखने को मिल सकती है। मतलब और Realme 2 Pro एक अच्छा फ़ोन है, आप अभी और लंबे समय तक चला सकते हो, अभी तो उसमें अपडेट भी आने बाकी हैं। इसके बाद अगला सवाल है विशाल भाई का, वो पूछ रहे हैं व्हाई एंड्रॉयड अपडेट इज इंपॉर्टेंट। देखो भाई, एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ ना कुछ बग्स या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। इसलिए जब भी एक अपडेट आती है ना तो जो प्रॉब्लम रह गई है ना एंड्रॉयड के साथ, जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स है, जो बग्स है, जो सिक्योरिटी होल्स है, उन्हें वो फिक्स करता है। अगर एंड्रॉयड अपडेट नहीं आएगी ना तो ऑब्वियसली आपका जो सिस्टम है वो अनसिक्योर्ड रह जाएगा। मान लो उसके अंदर कोई ग्लिच है या कोई सॉफ्टवेयर बग है या फिर कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ गई जिससे कोई हैकर आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। तो इन सब के लिए मतलब जो एंड्रॉयड अपडेट होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ ही एंड्रॉयड अपडेट आने से फ़ोन के अंदर नए नए फीचर्स भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से ज़रूरी है। हाउ कैन सॉफ्टवेयर अपडेट स्लो द डिवाइस? ऑब्वियसली जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट आती है तो मतलब दो तरह चीज़ें होती है। पहली चीज़ जो कंपनी वो जानबूझ के स्लो करना चाहती है फ़ोन को, तो उस तरीके से वो कर सकती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट या नया एंड्रॉयड का जब वर्जन आता है ना तो वो ज़्यादा हैवी रहता है, उसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर या ज़्यादा रैम चाहिए और फ़ोन जो है ना वो उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा क्योंकि जो फ़ोन का जो प्रोसेसर है ना वो थोड़ा पुराना हो चुका है। इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो आपको धीरे धीरे कम देखने को मिलती है। इसलिए पुराने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, नया सॉफ्टवेयर और पुराना हार्डवेयर है तो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो ये एक बेसिक टर्म्स में कहानी है। मेक अ वीडियो स्टॉक एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड वन डिफरेंस। वैसे मैं ऐसा वीडियोस काफ़ी पहले बना चुका हूँ, एंड्रॉयड वन को एक्सप्लेन भी किया है मैंने, और बेसिक डिफरेंस स्टॉक एंड्रॉयड एंड्रॉयड वन का मैं एक लाइन में बता देता हूँ। स्टॉक एंड्रॉयड वो है जो गूगल ने बनाया, जनता में बांट दिया, मतलब कंपनीज को दे दिया, फिर कंपनीज अपने फ़ोन के हिसाब से उसको कंपैटिबल बना के फ़ोन के अंदर डाल के दे रही है, तो वो होता है स्टॉक एंड्रॉयड। एंड्रॉयड वन में क्या रहता है कि गूगल के साथ एक कंपनीज होती है डायरेक्टली काम करती है, गूगल एक एंड्रॉयड वन के साथ सॉफ्टवेयर इन कंपनीज को प्रोवाइड करती है, इसके बाद एक कंपनीज उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन या कुछ ऐप्स वगैरह को डालते हैं, उसके बाद अपडेट रोल आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल नोकिया के फ़ोन्स ले लो, उनके अंदर एक हाथ कोई नोकिया की ऐप रहती है, वरना हमेशा वो स्टॉक एंड्रॉयड ही रहता है और गूगल की तरफ से उन्हें हर फ़ोन के लिए डायरेक्टली अपडेट मिलता है। तो एक एंड्रॉयड वन का सिस्टम यही है और यही चीज उन्होंने मतलब एक्चुअली में एंड्रॉयड वन जो है ना वो 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक मार्केट में कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाया है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ना ही स्टॉक एंड्रॉयड आज की डेट में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, ना ही एंड्रॉयड वन ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है। मतलब ये फैक्ट बता रहा हूँ, अगर ये सच में चीज़ें पॉपुलर होती ना तो हर कंपनी अपने स्टॉक एंड्रॉयड या एंड्रॉयड वन वाले फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। कंपनीज जो है ना वो अपनी खुद की स्किन को प्रमोट करना चाहती हैं। बात करें कलर OS की, EMUI की, MIUI की, फन टच OS की, कंपनीज ऐसा करना चाहते हैं। कुछ कंपनीज है वन प्लस जैसी जो कि स्टॉक एंड्रॉयड तो रखना चाहती है लेकिन उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहती है ताकि वो अपना फ्लेवर डाल सके। तो स्टॉक एंड्रॉयड एंड्रॉयड वन का तो ये बात कहानी पूरी है रही। बाकी मेरे को लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।